इस सोमवार से शुक्रवार शाम 6:10 पर अपने फेवरेट सितारों के साथ लीजिए पप्पा का आशीर्वाद। तो आ रहे हैं ना आप करने खुशियों का श्री गणेश इस सोमवार से शुक्रवार स्टार प्लस पर। गोपी वो इधर आ। औरतें खास तौर से तुम्हें घर की नई बहू को देखने आ रही हैं और तुम ऐसे ऐसे उनके सामने जाओगी। एक बात समझ लो गोपी वहू, तुम किसी टुटपुंजे खानदान की दिकरी नहीं हो, अब मोदी परिवार की बहू हो, कोकिला मोदी की बहू हो। इसलिए ढंग से तैयार होना सीख लो। ये देखो कैसा लगा ये सेट? बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि मुंह दिखाई की रस्म में तुम इसे पहनो। लो बस रुक, और ये पकड़ो इसे। आज मुंह दिखाई की रस्म है और मैं चाहती हूं ये कपड़े ये दागिने तुम पहनो, ठीक है? है ना, बहुत खूबसूरत। सपने में भी नहीं सोचा होगा तुमने गोपी भाभी। किंजल, गोपी वहू, मैं तुम्हें इस घर में इसलिए लाई हूं ताकि तुम मेरे दिकरे अहम को खुश रख सको, और अगर मेरा दिकरा खुश तो उससे दुगुना खुश तुम्हारी सास। दिकरा इसलिए मैं तो तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी, बदले में तुम मेरे अहम को खुश रखो, है ना? अगर मुझे लगा कि मेरा अहम खुश नहीं है तो समझ गई ना? हाँ। क्या हुआ, तुम खुश नहीं? लेकिन क्यों? ये सब तो पाने के लिए तुम ही आई हो, वरना सारी सच्चाई तो तुम्हें पहले से ही मालूम थी। मैं सोचती हूँ तुम माँ की बात कैसे पूरी करोगी? अहम भाई को कैसे खुश रखोगी? गोपी जरा ये पिन लगा ना। ना अच्छा सेट है ये, बहुत कीमती भी लग रहा है। किसने दिया? वो माजी ने दिया है। गोपी तू भी बड़ी किस्मत वाली है कि तुझे इतना अच्छा हार पहनने को मिल रहा है, और मुझे देख तेरे सामने तो मैं एकदम ही फीकी लगूंगी। मेरी भी बड़ी तमन्ना थी कि
कि मुझे भी ऐसे इतना अच्छा हार पहनने को मिले, पर शायद ये सब मेरे किस्मत में ही नहीं है। राशि बेन, आप ऐसा क्यों कह रही हो? देखो, आप अपना दिल छोटा मत करो और एक काम करो, आप ये हार पहन लो। अब नहीं नहीं, तुम्हारा हार मैं कैसे पहन सकती हूँ? राशि बेन, ये हार आपने पहना या मैंने पहना, बात तो एक ही है ना? आप मेरी बहन है ना? हाँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं। और वैसे भी ये हार बड़ा भारी है, तो मुझसे तो नहीं संभलेगा। और वैसे भी राशि बेन, ये आप पे ज्यादा जचेगा। ठीक है, अब तो इतना कह ही रही है तो पहन लेती। अरे पन कोकिला बहन, बेबे बहू छे, घूंगम ने आवे तो हमें कैसे पता चलेगा कि तमारी बहू कौन छे ने हेतल की कौन छे? अरे सब पता चल जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बैठो ना, बैठो बैठो, बैठो। अरे हेतल बहन, अब तो तुम्हारे घर में दो दो बहुएं आ गई हैं, अब तो तुम लोगों को फुर्सत ही फुर्सत है। अब फटाफट तुम हमारी किटी में आ जाओ, बहू मुझा पर से। अरे घर की सास ही अगर घर के बाहर जाएगी तो नई बहू को घर के तौर तरीके कौन समझाएगा? ना भाई, मैंने तो किटी विटी पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं है। चलो बहुओं को तो बुलाओ। हाँ हाँ, किंजल जाओ, दोनों बहुओं को लेकर आ। जब तक बहुएं आती हैं तब तक कुछ पेट पूजा कर ली जाए। लो आगे बहुएं। मेरे अहम दिकरे की पत्नी यानी मेरी बहू गोपी, और ये हेतल भाभी की बहू राशि। आप लोग अब मुंह दिखाई की रस्म शुरू कर दीजिए, आइए। कोकिला, तारी बहू तो बहुत सरस छे। तेरी बहू भी बहुत सुंदर है और उसके गले का हार तो बहुत सुंदर है। वैसे कोकिला, तुम्हारी बहू का हार भी अच्छा है। अरे हार तो हार ही है, मगर हमारी बहू की सुंदरता अरे इन दागिनों की शोभा तो और भी बढ़ा देती है। अरे कोकिला, तेरी वो तो सोना है सोना। पर सोने से लदी ये हेतल की बहू राशि है। कोकिला बहन, हमें तो लगा था कि तुम्हारी बहू दूर से कुछ अलग नजर आएगी।
हमारा मतलब है सोने से भरी हुई। खैर हम चलते हैं। हाँ बा, जय श्री कृष्ण। जय है वो हार जो मैंने तुम्हें दिया था। कहाँ है वो हार? बता, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं गोपी। कहाँ है वो हार? जाने देना। एक मिनट बा, हूँ बात करूँ छूने। सूरत से तो तू बहुत भोली दिखती है, लेकिन ऐसे करम घर में घुसे हुए एक दिन नहीं हुआ और तुमने अपनी मनमानी शुरू कर दी। मैं पूछती हूँ कि अब चुप क्यों है, बोलती क्यों बंद है तेरी? पता कहाँ है वो हार? खो दिया या बेच खाया तुमने? कहाँ है वो हार? पता कहाँ है वो हार? वो क्या? वो क्या? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।